अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम इस डीसी डीमर को बाइक की जो हेडलाइट है इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे। ये जो डीसी डीमर होता है ये आपको ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट से मिल जाता है, 250 से लेकर 300 रुपये तक का। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि ये चूंकि बनाया होता है उन्होंने सोलर के जो डीसी फ़ैन होते हैं उनके लिए, तो जो सोलर के फ़ैन होते हैं वो घरों में यूज़ होने होते हैं और वो धोने वाली चीज़ नहीं होती, इसलिए इन्होंने इसको कवर नहीं किया होता। किसी भी चीज़ को कवर करने के दो ही रीज़न होते हैं, नंबर एक तो आपको करंट लगे तब जाकर आप उसको कवर करते हैं, नंबर दो उसको अगर आपने वाटर प्रूफ बनाना हो तब जाके आप उसको कवर करते हैं। तो अब जो ये होते हैं डीसी डीमर्स, ये बेसिकली बनाए सोलर फैंस के लिए जाते हैं, डीसी जो सोलर फैंस होते हैं उनके लिए। तो जो फैंस होते हैं वो अपने घर में यूज़ करने होते हैं, छत के नीचे, पानी तो उसके ऊपर पड़ना नहीं होता, ठीक है ना, वो धोने वाली चीज़ होती है, इसलिए इसको कवर नहीं किया होता। और नंबर दो रही बात के करंट लगने की, तो चूंकि ये डीसी डीमर होता है, डीसी जो करंट होता है उसमें वो इंसानी जान के लिए नुकसानदेह नहीं होता, लेकिन चूंकि बाइक हमें यूज़ करनी होती है सड़कों पर, बारिश में भी यूज़ होनी होती है, इसको हमें धोना ही पड़ता है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर कवर करेंगे। आप ये जहाँ मर्जी जिस मर्जी वेबसाइट से पता कर लेना, ये आपको बगैर कवर के और बगैर वायर्स के मिलेगा। मैं आपको यहाँ पर वायर्स जोड़ने का तरीका ही बड़ा आसानी से बताऊंगा कि आपको वायरिंग इतनी आसानी से बताऊंगा कि हर आम आदमी को समझ आ जाएगी। इसके अलावा हम इसको यहाँ पर कवर भी करेंगे जिससे ये वाटर प्रूफ बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले हम इसकी वायर्स जोड़ लेते हैं, बाद में हम इसके जो है वो वाटर प्रूफ हम बनाएंगे। इसमें दो ही वायर्स जोड़नी होती है, एक पॉजिटिव का इनपुट और एक पॉजिटिव का आउटपुट। बहुत सिंपल होता है, ठीक है। आप कोई भी आप लेगा ना डिम्बर, डीसी डिम्बर, उसमें यहाँ पर ये इसका आईसी लगा होगा। इसके ये तीन पॉइंट्स होते हैं, आप गौर से देखिए जरा, ये 1 2 3 ये ऐसे ऊपर जुड़े होते हैं, 1 2 3। इसमें जो मिड वाला है ना, ये इसका होता है हमेशा पॉजिटिव का इनपुट, ये पक्की बात है। इन तीनों में से जो दरमियान वाला होगा ना, ये पॉजिटिव का इनपुट होगा, यानी कि यहाँ से बैटरी का पॉजिटिव हम लेते होते हैं। और आउटपुट या इस साइड वाला होगा या इस साइड वाला होगा। अब आपको कैसे पता लगेगा कि जो है वो आउटपुट इस साइड वाला या इस साइड वाला, वो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, आपके पास कोई बाइक की बैटरी आप वो ले लें या कोई चार्जर है, जैसे कि मेरे पास एक चार्जर है, या आप इसको बैटरी कंसिडर कर लें, इसकी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, और एक मेरे पास ये यहाँ पर डीसी का बल्ब है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर चेक करते हैं, पहले हम जो ये बैटरी की जो नेगेटिव है ना, इसको हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं डायरेक्टली। अब ये देखिए बैटरी का पॉजिटिव है जो कि इनपुट होगा, और ये आउटपुट है। इनपुट मैंने बताया था कि वो दरमियान में आईसी के दरमियान वाली जगह पर आएगा, ठीक है। 1 2 3 है ना, यहाँ से 1 2 3 है, तो इसके दरमियान पे यहाँ पर हम अटैच कर लेते हैं, ये तो उसका हो गया इनपुट। अब आउटपुट चेक करने के लिए कि वो इस साइड पर है या इस साइड पर है, वो भी बहुत सिंपल है। आपने ये जो बल्ब है इसके आपने ये पॉजिटिव यहाँ पर लगानी है, तो ये देखिए यहाँ पर ये कम लो नहीं हो रहा, इसका मतलब ये है कि ये इस साइड वाला जो है ना, इस साइड वाला वो नहीं है इसका आउटपुट, इसका आउटपुट होगा इस साइड पर। आप इस साइड पर करने पर ना, ये लाजमी सी बात है कि ये चलेगा और ये कम लो होगा। ये देखिए ये कम हो रहा है और ये ज्यादा हो रहा है, ठीक है। अब यहां हमने क्या सीखा कि इसका जो दरमियान वाला, तो मैंने बताया था ना कि ये इसका है इनपुट, और इस साइड वाला जो है ना इधर वाला, वो है इसका आउटपुट। बस हमने यहां पर एक वायर जोड़ देनी है, एक ये दरमियान पर जोड़ देनी है और एक ये इस साइड पर जोड़ देनी है। ये तरीका तो चेक करने का, बाकी आपने कुछ भी नहीं करना होता। आप इस चार्जर की जगह जो है, आप बाइक की जो पॉजिटिव नेगेटिव की बैटरी की जो दो वायर्स होती हैं, एक होती है ग्रीन और एक होती है रेड, पॉजिटिव नेगेटिव, आप वो ले सकते हैं। और ये बल्ब आपके बाइक में वैसे भी लगा होता है, आपने कोई हेडलाइट उतार के वो भी चेक कर सकते हैं। चेक करने का तरीका बहुत आसान है। तो इसके फिर मैंने टांका लगा दिया इसका, तो ये इसका जो है ये होगा दरमियान वाला, इसका इनपुट पॉजिटिव का और ये इसका आउटपुट। अब इसका हम वाटर प्रूफ बनाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपके आपको चाहिए होगा एक इस तरह का ना, ये एसी यानी कि घर में जो फैन होता है ना छत वाला जो बिजली पे चलता है, ये उसका है ये एसी डिमर है इसका, ये हमने लेना है। इसका कवर यूज करना है, ये भी देखिए वाटर प्रूफ नहीं है, इसके बीच में यहाँ पर सुराख है क्योंकि एसी का वो गर्म होता है और ये गर्म नहीं होगा, ठीक है। इसके हमने ये कवर यूज करना है और इसके ऊपर हम टेपिंग करके अच्छे से जो है वो हम वाटर प्रूफ बनाएंगे। नॉर्मली ये आपको अगर आपके घर में पड़ा कोई पुराना है, या आप किसी भी जाए इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग शॉप पर, आप अगर कोई जो पुराना पड़ा हुआ सरा हुआ, तो आप ले लें, तो कवर आप यूज कर ले, वरना नया ये 120 रुपये तक का मिलता है। इसको हम खोल लेते हैं। ये देखिए सबसे पहले आपने इसका ये ऐसे तार लेना होता है, यहाँ पर नट होता है, ये बहुत आसानी से खुल जाता है, ये आप गुजारेगा ना। ये देखिए मैंने टेस्ट गुजारा है और ये एक घूम गया, आप नोट करें ये अंदर से घूम रहा है, ये बहुत इजी घूम जाता है इस तरीके से। उसके बाद पीछे हम कवर भी खोलते हैं पहले इसका। ये देखिए ये एसी है, ठीक है, ये डीसी वाला है, ये एसी वाला है, ये और चीज है, बस इसका मैंने कवर यहां पर यूज करना है। तो ये देखिए ऐसे आ गया, ये इसका आ गया नट, तो ये इसका एसी वाला होता है, ये नहीं हमें चाहिए, ये कभी भी काम नहीं करता डीसी पे।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, आपने ये यहाँ से गुजारना है, इससे यहाँ से निकल आएगा बाहर। ये जब यहाँ पर निकल रहा है तो आपने ये लगा देना वापस इसका नट सा, इसको आपने घुमाते जाना है। ये देखिए मुकम्मल टाइट हो गया। उसके बाद आपने इसके यहाँ पर ये लगा देना है, नट की वजह से ना वो कसा गया तो पानी यहाँ से नहीं जाएगा नहीं। तो ये देखिए, अब ये देखिए वायर जो है ना ये अपने यहाँ से इसे गुजार लेनी है। इन सुराख में से ये देखिए, और इसको हमने यहाँ पर ऐसे बंद कर देना है। तो ये देखिए ये यहाँ पर बन चुका है। तो फ्रेंड्स अब आपने इसके यहाँ पर अच्छे से टेपिंग कर देनी ताकि यहाँ से पानी ना जाए। तो ये फ्रेंड्स ये बन चुका है, ये यहाँ पर उतर चुका था। इसको हम अब अच्छे से लगाते हैं टाइट करके। तो चलिए फ्रेंड्स हम इसको टेस्ट करते हैं। ये देखिए ये मेरे पास बल्ब है ना, ये इसकी नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। ये बैटरी समझा वायर्स आ रही हैं, तो ये नेगेटिव आ रही है इसकी और ये देखिए पॉजिटिव ऐसे चलता है ना। बस हमने इस पॉजिटिव के इनके बीच में हमें डिमर लगा देना है। ये मैंने पहले बताया था कि इसका जो इनपुट है वो हमने रखा है ब्लैक कलर में, ये हमने बैटरी की पॉजिटिव साइड जोड़ देना होता है। मैं इसे टेस्ट करने के लिए आपको यहाँ पर चेक दिखा रहा हूँ, हम बाद में इसके जोड़ेंगे सीखने के साथ। और ये देखिए ये हमने, ये हमारा आउटपुट है, ठीक है, हमें बल्ब की पॉजिटिव या किसी भी चीज़ की पॉजिटिव साइड हमें लगा देना है, हॉर्न हो या कोई भी चीज़ हो। तो ये देखिए ये अभी लो है, यहाँ से मैं घुमाता हूँ। ये देखिए ये लो, ये ऐसे जितना आपने हाई करना है। ठीक है, ये हमारा कामयाब है। तो चलिए फ्रेंड्स हम इसको इंस्टॉल करते हैं। तो मैं इंस्टॉल करने के बाद जब लगाऊंगा ना इसको, तो मैं आपको बताऊंगा वैसे इसका आपको फायदा कैसे है और कैसे आपने इसको यूज करना है। हम यहाँ पर इसको लगाएंगे हेलमेट के साथ। अब देखिए यही है ना, इसके मैंने वायर्स को लंबा करके टेपिंग कर दी है। ये देखिए ये हमारी आ रही है इनपुट की या आउटपुट की, तो दो ही वायर्स होती है। इसको हम हैंडल लगाएंगे, पहले हम इसके वायर्स यहाँ पर गुजार कर वायरिंग करते हैं। इतना सिंपल है ना, कोई डायोड की जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स देखिए वायर्स को मैंने गुजार लिए, इसको हम लगाएंगे बाद में हैंडल पर। चलिए फ्रेंड्स इसका हम वायरिंग करते हैं। ये दो वायर्स है ना, ये इसकी बैटरी से, यानी कि हमने इसका बैटरी से लेना करंट इनपुट और ये आउटपुट। अब हमने ये करना है कि हमारी बाइक की जो हेडलाइट है ना, इसका हमने हाई पॉइंट उतार देना है। इसको हम डिमर पर रखेंगे, ठीक है, बैटरी के साथ, ताकि जब आपको कभी अंधेरा है तो आप अपनी बाइक, अब देखिए मैं बता रहा है ना, अभी आपकी बाइक आप अपनी बाइक को इंजन स्टार्ट करेंगे ना, हेडलाइट ऑन करने पर लो पॉइंट पर आपकी बाइक चलेगी, वो इस वायरस से चलेगी, ठीक है। बैकलाइट और जो मिडिल लाइट है वो चलेगी चलेगी, चाहे आपने हाई की हो या लो की हो। यानी कि अब जब किक मारेगा ना बाइक की, तो आपकी हेडलाइट चलेगी लो पर, बैकलाइट भी चलेगी और इंजन और जो मिडिल लाइट है वो भी चलेगी, लेकिन हाई करने पर हेडलाइट जो है आपकी वो नहीं चलेगी, क्योंकि हमने ये तार दिया। अब हम इसको रखते हैं बैटरी के साथ, ठीक है, बैटरी और डिमर के साथ। इससे होगा क्या कि जैसे ही कभी अंधेरा आता है ना, अंधेरे वाली जगह पर आपको फुल रोशनी चाहिए तो आप इसको फुल घुमा सकते हैं, आपको थोड़ी सी कम चाहिए तो आप कम कर सकते हैं, उससे कम कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप 40 स्पीड डाले ना बाइक पर और आपने लगाया हुआ चौथा गियर, तो आपने बाइक की रेस सिर्फ इतनी से दी हुई है तो रोशनी काफी कम होती है। उसके बरस आप अगर जाते हैं ना 80 स्पीड पर जा रहे चौथे गियर पर, तो आपकी रेस पूरी भराई होती है, तो आपकी हेडलाइट बहुत ज्यादा चल रही होती है। तो हम ये करेंगे, हम अगर किसी ने चलानी 40 स्पीड पे है या लो आरपीएम में चलानी है, तो वो डिमर से इसको यूज कर सकता है,
अगर तो ये जो इसका अपना है ना जो स्टैंडर्ड का बल्ब है, ये अगर आपकी बाइक की होंडा सिटी 70 की बैटरी पर चलता रहे ना, देखो बल्ब को तो कुछ होना नहीं ना, क्योंकि ये होंडा सिटी 125 जो आती है सेल्फ स्टार्ट वाला जो मॉडल आता है उसमें ये बल्ब लगा हुआ आता है, वो होता है बैटरी पर। देखिए बल्ब को तो कुछ होना नहीं है, ये तो गारंटी है, क्योंकि वो और ये बल्ब दोनों सेम है। अब अगर आप इसको डायरेक्ट बैटरी पर चलाते हैं ना डिमर का बगैर भी, तब भी ये 35 से 40 मिनट तक जो है चलता रहता है कि बैटरी लो नहीं होती, तो डिमर के साथ तो लो होने का सवाल ही ना पैदा होता। तो बस मैं अब यहाँ पर क्या करूँगा कि ये रखिए मैं तारा है, इनपुट आपने लगा देनी है बाइक में किसी भी बैटरी के पॉजिटिव करंट के जो वायर होते हैं उसके अंदर। अब बाइक में जो बैटरी के पॉजिटिव वायर होती है ना वो हमेशा, यानी क्योंकि बाइक में पॉजिटिव करंट होता है बैटरी का हमेशा ब्लैक कलर के वायर में, ये मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया हुआ है। तो हमने बैटरी के इनपुट आपको यहाँ से ले लेना है, ये देखिए ऐसे कोई पिछले निकालेगा हम और ये ब्लैक कलर क्लिप में ऐसे लगा देंगे। यहाँ से हो गया हमारा इसका बैटरी का इनपुट। अब ये आउटपुट है, इसको हमने लगा देना है हमारी बाइक की ये हाई वायर के साथ, बस हमारा यहाँ पर काम खत्म। ऑन ऑफ भी यहीं से होगा, यानी कि हम इसको मुकम्मल लो कर देंगे ना तो करंट आएगा नहीं, थोड़ा सा हाई करके तब भी नहीं आएगा, काफ़ी हाई करने पर आता है और फिर उसके बाद मजीद घुमाओ तो ज़्यादा होता है करंट, ये सिस्टम होता है इसका। इसको टेपिंग करनी है ना, बस हमारे यहाँ पर काम खत्म। लगाना बहुत ईजी होता है, बस उसकी वायरिंग थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो ये देखिए फ्रेंड, जैसे जैसे मैं घुमा रहा हूँ उसको तो ये काम ज़्यादा हो रही है। अब यहाँ पर लाइटिंग काफ़ी ज़्यादा है, इसको हम प्रॉपर बंद करेंगे ना तब पता लगेगा इसका। ये देखिए काम भी चल रही है, आप इसको पार्किंग के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए जितनी आपने बढ़ानी है, जहाँ पर देखिए मैं फूल घुमाता हूँ फूल तेज हो जाती है, जहाँ पर रखने आप रख सकते हैं। अच्छा आप इसको इतने देखिए पार्किंग भी रख सकते हैं, मैंने बिल्कुल कम कर देखिए, ऐसे पार्किंग लाइट भी चलेगी इसकी किस्म की, क्योंकि ये लो पर भी ना मैं आपको बताता हूँ ये होता है ठंडे फॉर्म का बल्ब होता है, क्योंकि इंजन के लिए ऐसे होना था कि इंजन जो छोड़ते हैं बिल्कुल लो होते हैं, रेस देने पर ज़्यादा होती है, तो इसमें ये वही डिमर वाला काम कर रहा है, ठीक है बैटरी के साथ। तो इसको हम करते हैं टेपिंग, बस इसको करनी है टेपिंग और हेलोडो करते हैं बंद और फिर इसको हम लगाते हैं कहीं पर किसी अच्छी जगह पर। तो चलिए फ्रेंड्स हम इस डिमर को स्टार्ट करते हैं। आप चाहें तो इस पूरी वायर को जो है ब्लैक कलर के वायर से कवर कर सकते हैं ताकि ये नजर ना आए, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ आपको समझाना ही है। हम उसको यहाँ पर ऐसे लगाएंगे, सबसे पहले आपने लेनी है 8 नंबर की टी, इसको आपने करना है लूज। देखिए जब ये यहाँ फंस जाए आप इसको अच्छे से टाइट कर देना, ठीक है इसको आगे करके जैसे हिलना नहीं चाहिए, उसके बाद इसको आपने मुकम्मल टाइट कर देना है, ये जगह बेहतर है, आप कहीं भी ला सकते हैं इसको। तो ये देखिए फ्रेंड, जैसे मैं इसको घुमाता हूँ तो ये ज़्यादा होती है, काम करने पर काम होती है, ठीक है ये इसकी थोड़ी सी मीडियम है और ये देखिए यहाँ पर ये मीडियम है इसकी और ये इसकी लो है, ठीक है ये बिल्कुल फुल थी इसकी, ऐसे आप कर सकते हैं। अच्छा यहीं से ये बंद हो जाएगा, देखिए मैंने बंद किया यहीं से बंद हो गया है, ऑन ऑफ वाला बटन जरूरत नहीं हमें। अब इसको मैंने ऑन किया तो चाबी ऑफ करने पर ही बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं कि ये चाबी ऑन करने पर भी चले, हमें कोई एक्स्ट्रा बटन लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप डिमर का फुल लो करेंगे तो ये बंद हो जाएगा, इसमें करंट नहीं आएगा। फिर देखिए फ्रेंड मैंने बाइक को स्टार्ट किया है, यहाँ से हेलमेट ऑन किया है तो लो पॉइंट पर ये हमारी इंजन करंट पर चलेगी, बैक लाइट भी और मीटर की लाइट भी, और हाई करने पर सिर्फ मीटर की लाइट और बैक लाइट चलेगी, वो नहीं चलेगी हमारी हेडलाइट। हेडलाइट हमारी अगर हाई पर चलानी है आपने तो जैसे ही आपको चाहिए तो आप उसको डिमर से चलाएंगे, ठीक है ज़्यादा कम करके। और ये सिर्फ मैंने आपको डिमर बनाने का तरीका बताया कि डिमर आप ऐसे करना है, आप इसको बहुत सारी जगहों में यूज़ कर सकते हैं डिमर को, जहाँ भी जो भी डीसी चीज़ होगी ना उस पर आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको वायरिंग बताई है ऐसे ही सबसे बेहतरीन बाइक के लिए है। देखिए बाकी जो होते हैं ना फैंस होते हैं बड़े, उनमें ये इसकी थोड़ी सी वायरिंग डिफरेंट करनी है हमने। अब बहुत सारे यहाँ पर जो होगी ना इलेक्ट्रिकल का जो काम करते होंगे वो यहाँ पर आ जाएगी कि आपने इसकी जो नेगेटिव वायर है वो डिमर के अंदर एक जगह लगानी होती है, तो वो बाइक के लिए नहीं है, ठीक है बाइक में वो सारा काम गड़बड़ हो जाएगा, बाइक के लिए ये सबसे बेहतरीन तरीका जो मैंने आपको बताया है। तो बस फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, मेरा नाम है तैयब अजीज, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़।